What's up guys, Sanjot Kir here, welcome to IFL. बहुत ही special video बना रहा हूँ, चार पास्ता की रेसिपीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब स्पेशल बात यह है कि जितने भी पास्ताज बना रहा हूँ ये सारे 10 मिनट के अंदर रेडी हो जाते हैं। फ्रॉम प्रेपिंग, कटिंग, चॉपिंग, बॉइलिंग द पास्ता, मेकिंग द सॉस एंड सर्विंग द पास्ता, 10 मिनट में आपका पास्ता रेडी हो जाएगा। और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको ये रेसिपीज बताने वाला हूँ। सबसे पहले रेड सॉस पास्ता, जिसे अराबियाता सॉस कहते हैं, फिर मिक्स सॉस पास्ता, जिसे पिंक सॉस या ऑरेंज सॉस कहते हैं, फिर आलियो ए ओलियो, जो गार्लिक और ऑलिव ऑयल बेस्ड पास्ता होता है, और लास्ट अल्फ्रेडो सॉस पास्ता, जिसे चीजी सॉस पास्ता कहते हैं। ये चारों ही पास्ताज बहुत ही डिलिशियस बनते हैं और एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से आपको आज सिखाने वाला हूँ। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बिगिनर्स हैं कुकिंग में, या आप बैचलर हो, या आपके पास टाइम कम होता है कुक करने के लिए, आपको एफर्ट्स कम अप्लाई करने हैं, तो ये सभी लोगों के लिए। कभी कभी बच्चे बोल देते हैं पास्ता खाना है, तो आप सिर्फ 10 मिनट में पास्ता एकदम डिलिशियस वाला घर पर ही बनाकर उनको खिला सकते हो। और अगर आपने अभी तक YFL को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो ऐसी और रेसिपीज देखने के लिए। अब सबसे पहले 10 मिनट में रेड सॉस पास्ता बनता कैसे वो देख लेते हैं। रेड सॉस पास्ता के लिए सारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाले, सिर्फ ये टमेटो प्यूरे रेडीमेड यूज कर रहा हूँ पास्ता को फटाफट बनाने के लिए। अब एक बर्तन ले लेना है, उसमें पानी ऐड कर देना है पास्ता को उबालने के लिए। ढक्कन लगा दीजिए और हाई फ्लेम पर पानी को साइड पे गर्म होने रख दीजिए। जब तक पानी उबल रहा है वेजिटेबल्स को कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रोकली कट कर रहा हूँ। ब्रोकली को आपको ऐसे उल्टा पकड़ लेना है, ऐसे रख लेना है। नाइफ को यूज करके आपको इस तरीके से ब्रोकली के फ्लोरेट्स निकाल लेने, आसान तरीका है एकदम ब्रोकली को कट करने का। जितनी आपको ब्रोकली यूज करनी अभी कर लीजिए, बाकी की आप बाद में यूज कर सकते हैं। ये फ्लोरेट्स को आपको छोटा छोटा कट कर लेना है, बहुत बड़े पीसेज आपको नहीं रखने हैं ब्रोकली के। ये आप देख सकते हो मैंने कैसे ब्रोकली के फ्लोरेट्स कट कर लिए हैं, इन्हें आप साइड में रख दीजिए। अब बेल पेपर को कैसे कट करना है वो देख लेते हैं। बेल पेपर के ऐसे आपको साइड्स कट कर लेने हैं, तो चार साइड्स हम इस तरीके से कट कर लेंगे तो आपका जो है ना कोर है और स्टेम बीज वगैरह वो अपने आप निकल जाएंगे। इन साइड्स को अभी आपको ऐसे बीच में से कट कर लेना है। बीच में से कट करने के बाद इस तरीके से ट्राइंगल्स में कट कर रहा हूँ, आप डाइसेस में भी कट कर सकते हैं। आप देख सकते हो मैंने ट्राइंगल्स कैसे कट कर लिए हैं बेल पेपर के, इनको अब साइड में रख दीजिए। अब गार्लिक को हमें थोड़ा सा चॉप करना है, तो गार्लिक को लेकर ना ऐसे आप नाइफ से ऐसे फ्लैट कर सकते हैं और फिर इसको चॉप कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको चॉपिंग डिफिकल्ट लगती है तो आप ऐसे ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं गार्लिक को, ये काफ़ी आसान हो जाता है अगर आपको दिक्कत होती है चॉपिंग में। तो यहाँ पर टोटल 6 गार्लिक क्लोव्स मैंने यूज़ किए हैं, आप चॉप या ग्रेट अपने हिसाब से कर सकते हैं। वेजीज हमारी यहाँ पर प्रेप हो गई है, पानी भी हमारा उबल गया है। एक बार आपका पानी उबल जाए ये रोरिंग बॉयल पे आ जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 लार्ज पिंचेस ऑफ सॉल्ट इसमें ऐड कर दीजिए सीजन करने के लिए पानी को। अब इसमें पास्ता को ऐड कर दीजिए, यहाँ पर मैंने 200 ग्राम्स पेने पास्ता यूज़ किया है। पास्ता ऐड करने के बाद एक हल्का सा स्टर कर दीजिए, कभी कभी पास्ता नीचे चिपक जाता है। अब गिनकर आपको 8-10 मिनट्स के लिए पास्ता को बॉईल करना है। 8 मिनट में अल दांते पास्ता होगा, यानी कि उसमें एक बाइट रह जाएगी। अगर आपको वेल डन पास्ता पसंद है तो 10 मिनट के लिए आप पास्ता को बॉईल कर सकते हो। तो जब भी 8-10 मिनट के लिए हमारा पास्ता बॉईल होगा, साइड में ही हमारी सॉस भी रेडी हो जाएगी और हमारा पास्ता रेडी हो जाएगा। अब एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर दीजिए, आप रेगुलर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल एक बार गर्म हो जाए तो फ्लेम को लो कर दीजिए। अब इसमें जो गार्लिक हमने ग्रेट करके रखा था वो गार्लिक ऐड कर दीजिए, साथ ही में 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दीजिए। अब स्टर करते हुए ब्रीफली आपको बस 30 सेकंड के लिए गार्लिक और चिली फ्लेक्स को साथ में पका लेना। 30 सेकंड के बाद इसके अंदर अब 200 ग्राम टमेटो प्योरे ऐड कर दीजिए, 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून ऑरिगैनो और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए। सॉल्ट थोड़ा सा कम ही यहाँ पर डालना, बाद में आप सॉल्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। 3-4 मिनट जब सॉस पकेगी उतने टाइम में बाजू में हमारा पास्ता भी ऑलमोस्ट बॉईल हो चुका होगा। 3-4 मिनट बाद आप देख सकते हो हमारी सॉस पक गई है। इस स्टेज पर आपको गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। बाजू में चेक कर लेते हैं हमारे पास्ता को। पास्ता आप देख सकते हो हमारा ऑलमोस्ट कुक हो चुका है, बस 1 मिनट की कुकिंग रह गई है। ब्रोकली जो कट करके रखी थी वो ऐड कर दीजिए, साथ ही में 1/3 कप कॉर्न ऐड कर दीजिए। अब कॉर्न और ब्रोकली को पास्ता के साथ 1 मिनट के लिए कुक कर लेना है। पास्ता भी कम्प्लीटली कुक हो जाएगा और हमारी ब्रोकली और कॉर्न भी ब्लांच हो जाएंगे साथ ही में, तो टाइम भी बच जाएगा, एफर्ट भी बच जाएगा। बस 1 मिनट बाद ब्रोकली और कॉर्न हमारा ब्लांच हो गया है, पास्ता भी हमारा कुक हो गया है। अभी इसे स्ट्रेनर से निकाल लीजिए। स्ट्रेनर से निकालने के बाद सॉस में आपको पास्ता, ब्रोकली और कॉर्न ऐड कर देना है। एक बार आपने ऐड कर दिया है, साथ ही में हमने जो बेल पेपर कट करके रखा था उसे भी ऐड कर दीजिए। अब गैस की फ्लेम को ऑन कर दीजिए और लाइटली आपको सॉस के साथ पास्ता को मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हो सॉस के साथ मैंने पास्ता को कोट कर लिया है। अगर आपको थोड़ा सा ड्राई पास्ता पसंद है तो आप ऐसे ही सर्व कर सकते हो पास्ता को।
अगर आपको पास्ता थोड़ा सा सॉसी पसंद है तो उसमें आप जो पास्ता का पानी है ना वो फेंकना नहीं है, उससे इसकी कंसिस्टेंसी हम एडजस्ट कर सकते हैं। और जैसी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए उतना आपको पानी डालकर इसको मिक्स कर लेना है। अब आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी यहाँ पर परफेक्ट हो गई है मेरे हिसाब से। इस स्टेज पर यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस चीज़ ऐड कर रहा हूँ, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन थोड़ा सा वो चीज़ीनेस, थोड़ी सी रिचनेस जो है वो ऐड हो जाती है। आप पार्मेजान चीज़ भी ऐड कर सकते हो, बट प्रोसेस चीज़ ऑल्सो वर्क्स वेल। साथ ही मैं 5 से 6 बेजिल के पत्ते यहाँ पर तोड़कर ऐड कर रहा हूँ, ये भी कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन फ्लेवर अच्छा आता है। अच्छे से सारी चीज़ों को स्टर कर लीजिए। स्टर करने के बाद यहाँ पर पास्ता को टेस्ट कर लीजिए, अगर नमक, ऑरिगैनो या चिली फ्लेक्स की ज़रूरत है तो आप ऐड कर सकते हैं। और इस स्टेज पर हमारा रेड सॉस पास्ता जो है वो रेडी हो गया। तो आपने देखा रेड सॉस पास्ता बनाना कितना आसान है, 10 मिनट में पास्ता हमारा रेडी हो गया। पास्ता बॉईल हो रहा था, बाजू में ही सॉस बन गई, बहुत आसान तरीका है। अगर आप बिगिनर हो और आपको डर लग रहा है कि साइमल्टेनियसली आप नहीं कर पाओगे तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पास्ता पहले उबाल लीजिए, पास्ता एक बार आपका उबल गया 8 से 10 मिनट में, पास्ता को निकाला, छन्नी में डाल दिया, थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए ऊपर कि पास्ता जुड़े नहीं आपस में। आपने पास्ता उबाल के रख लिया, फिर सॉस बना लीजिए, पास्ता ऐड कीजिए और पास्ता बना लीजिए। 10 मिनट की जगह पे 15-20 मिनट लग जाएंगे, बट पास्ता आपका सेम बनेगा तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब पिंक सॉस या मिक्स सॉस पास्ता है या ऑरेंज सॉस पास्ता है वो कैसे बनता है, वो यूजुअली ये रेड सॉस पास्ता जैसे बनाया उसी में वाइट सॉस ऐड की जाती है, थोड़ी सी बेशमेल सॉस ऐड की जाती है। मैंने चैनल पर कई बार बनाई हुई है, लेकिन आप कर ये सकते हैं कि आसान इसको प्रोसेस करने के लिए इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर सकते हैं और आपका मिक्स सॉस पास्ता रेडी हो जाएगा। वो प्रोसेस कैसा होता है मैं यही पास्ता यूज़ करके आपको अभी बता देता हूँ। अब मिक्स सॉस पास्ता बनाने के लिए इसी पास्ता में आपको बस 3 से 4 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड करनी है, तो फ्रेश क्रीम ऐड कर दीजिए। फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद आपको इसको अच्छे से स्टर कर लेना है। एक बार आपने अच्छे से स्टर कर लिया है तो एक बार चेक कर लीजिए क्रीम ऐड किए तो शायद नमक डालने की ज़रूरत पड़ सकती है, मुझे ज़रूरत यहाँ पर नहीं लग रही है। ये सिंपल सा स्टेप करने से हमारा मिक्स सॉस पास्ता भी रेडी हो गया। तो आपने देखा एक स्टेप और करने से आपका मिक्स सॉस पास्ता रेडी हो जाएगा और ये भी बहुत डिलिशियस लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो आपको अगर रेड सॉस पास्ता बनाना है या पिंक सॉस पास्ता बनाना है आप इस तरीके से बना सकते हो। हमारे दोनों पास्ता रेडी हो गए हैं। अब नेक्स्ट पास्ता बनाने से पहले इन दोनों को प्लेट कर लेते हैं वाइफल स्टाइल। रेड सॉस पास्ता और मिक्स सॉस पास्ता डन, बहुत ही डिलिशियस बने हैं। आप चाहें तो गार्लिक ब्रेड के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, तो ज़रूर ट्राई करना ये दोनों रेसिपीज। बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पास्ता आई वॉन्टेड टू थैंक यू फॉर बींग सो जेनरस इन द कॉमेंट सेक्शन। मैं हमेशा बैठ कर आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ता रहता हूँ और इतने सारे अच्छे अच्छे कॉमेंट्स होते हैं, और एक कॉमेंट हमेशा कॉमन होता है आस्किंग अबाउट आप कॉन्टेंट कैसे बनाते हो। तो 2016 में 8 साल पहले जब मैंने कॉन्टेंट बनाना शुरू किया तभी इतना आसान नहीं था कॉन्टेंट बनाना जितना आज है। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कैमराज रेंट पर लाने पड़ते थे, लैपटॉप पर एडिटिंग करनी पड़ती थी, एंड बैक देन स्मार्टफोन्स वर नॉट दैट एडवांस्ड। आज स्मार्टफोन्स इतने एडवांस हो गए हैं कि आप फ़ोन पर ही अमेजिंग कॉन्टेंट कैप्चर कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और फ़ोन से ही शेयर कर सकते हो। मैं आज भी काफ़ी सारा कॉन्टेंट फ़ोन पर ही बनाता हूँ। इफ़ यू आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम तो आपने देखा होगा कि मैं रोज़ अपडेट शेयर करता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, और वो सारा कॉन्टेंट जो होता है वो फ़ोन पर ही बनता है और फ़ोन पर ही शेयर हो जाता है। आई रिसेंटली केम अक्रॉस द सैमसंग गैलेक्सी A25 जो एक अमेजिंग फ़ोन है विद अ लॉट ऑफ फीचर्स, जिसमें आप अमेजिंग फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो, वीडियोज़ क्लिक कर सकते हो और फिर फ़ोन पर ही इन्हें क्विकली एडिट कर सकते हो विद सम अमेजिंग टूल्स। वाइल शूटिंग मैं बहुत सारी इमेजेस क्लिक करते रहता हूँ। आई हैव कैप्चर्ड दिस ब्यूटिफुल इमेज ऑफ दिस पास्ताज, लेकिन आप देख सकते हो मेरे टीम मेंबर का हाथ इस इमेज में आ गया है विच इज़ स्पॉइलिंग दिस इमेज, बट दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। आई कैन जस्ट यूज़ द ऑब्जेक्ट इरेजर फीचर, बस हाथ पर टैप किया, इरेज पर टैप किया, एंड जस्ट लाइक दैट यू कैन गेट रिड ऑफ अनवॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स और पीपल फ्रॉम योर इमेजेस।
ये जो फीचर है इट इज़ वेरी हैंडी. अगर ये फीचर नहीं होता तो आई वुड हैव हैड टू एक्चुअली ट्रांसफर दिस इमेज टू माई लैपटॉप, एक सॉफ्टवेयर में डाल के मास्क आउट करना पड़ता, उसे निकालना पड़ता, जो बहुत कॉम्प्लेक्स एडिटिंग है. यहाँ पर बस एक क्लिक में मेरी इमेज जो है वो सेव हो गई. अब इसको एडिट करने के लिए आई कैन जस्ट यूज़ दी इमेज रीमास्टरिंग फीचर. ये जस्ट मैंने टैप किया एंड माई इमेज इज़ क्विकली एडिटेड एंड इज़ रेडी टू बी शेयर्ड. अमेजिंग कैमरा क्वालिटी है, फोटो आपने देखी कितनी अच्छी आई है. एंड विद दिस अमेजिंग एडिटिंग फीचर्स एडिट करना कितना आसान हो गया एंड आई कैन स्ट्रेट अवे शेयर दिस विद ऑल ऑफ यू. ये तो बस दो फीचर्स मैंने आपको बताए हैं, ऐसे कई अमेजिंग फीचर्स हैं इस फोन में जो मैं आपको बाद में बताऊंगा. अब नेक्स्ट पास्ता आलियो ए ओलियो पास्ता कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं. यहाँ पर मैंने आलियो ए ओलियो पास्ता के इन्ग्रीडियंट्स रेडी कर लिए हैं. पास्ता में स्पगेटी यूज़ करने वाला हूँ, इसमें बेस्ट लगता है ये पास्ता. तो पास्ता को बॉईल करने के लिए मैंने पानी को रोरिंग बॉईल पे ले आया है. इसमें 2 लार्ज पिंचेस सॉल्ट की डाल देनी है सीजन करने के लिए पानी को. अब इसमें आपको स्पगेटी को इस तरीके से ट्विस्ट करके ऐड कर देना है. स्पगेटी को तोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पगेटी को भी 8 मिनट ही लगते हैं पकने के लिए. आप देखेंगे स्पगेटी अपने आप ही अंदर पानी में चली जाएगी, इसको स्टर करने की ज़रूरत नहीं है. जब तक स्पगेटी साइड में बॉईल हो रही है हम तैयारी कर लेते हैं पास्ता बनाने की. तो यहाँ पर मैंने 8 गार्लिक के क्लोव्स ले लिए हैं. गार्लिक को हमें स्लाइस करना है, तो गार्लिक ले लीजिए, उसको इस तरीके से पतला पतला स्लाइस कर लीजिए. आसान होता है, एक बार कोशिश करके देखिए, इजीली आप गार्लिक को इस तरीके से कट कर पाएंगे. तो आप देख सकते हो मैंने कैसे गार्लिक को स्लाइस कर लिया, इसी तरीके से कर लीजिए और साइड पे रख दीजिए. अब नेक्स्ट हमें पार्सली को चॉप करना है, तो थोड़ी सी पार्सली मैंने यहाँ पर ले ली है. पार्सली को इस तरीके से आपको चॉप कर लेना है. आप देख सकते हो पार्सली को कैसे चॉप कर लिया है. 3-4 मिनट हो चुके हैं हमारे पास्ता को बॉइल होते हुए. अब एक पैन ले लेना है, पैन के अंदर आपको 2-3 टेबलस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ऐड करना है. एक बार आपका तेल हल्का सा गर्म हो जाए तो फ्लेम को लो कर दीजिए. अब इसमें स्लाइस्ड गार्लिक ऐड कर दीजिए. गार्लिक ऐड करने के बाद आपको उतना ही पकाना है जब तक कि गार्लिक थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और हल्का हल्का इस पर रंग आना शुरू हो जाए. एक बार गार्लिक पर हल्का हल्का रंग आना शुरू हो जाए तब इसमें 1.5 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर दो और अच्छे से स्टर कर दो. स्टर करने के बाद कुछ ही सेकेंड्स पकाया है और आप देख सकते हो कि गार्लिक हमारा हल्का हल्का ब्राउन हो गया है. इस स्टेज पर आपको इसमें 2 करछी जो पास्ता वाटर है वो निकाल कर ऐड कर देना है. तो यहाँ पर क्या होगा, गार्लिक की कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगी. दूसरी चीज़ ये होगी कि तेल और पास्ता वाटर जो है, जो स्टार्ची होता है, वो इमल्सिफाई हो जाएगा और ये हमारे स्पगेटी को अच्छे से कोट करेगा. और एक चीज़ होगी कि जब भी आप पास्ता को डायरेक्टली तेल के अंदर डालते हो तो तेल से वो फ्राई होना शुरू हो जाता है, तो वो भी नहीं होगा. एक बार आपने ये कर लिया है स्पगेटी को चेक कर लेते हैं. स्पगेटी को 8 मिनट हो चुके हैं, स्पगेटी हमारी बॉईल हो चुकी है. स्पगेटी को डायरेक्टली निकाल के आपको इस पैन में ऐड कर देना है. एक बार आपने स्पगेटी ऐड कर दी है तो इसमें चॉप पार्सली ऐड कर देनी है. अब आपको इसको विगरेसली मिक्स करना है. मिक्स करने का कारण ये होता है कि जो ऑयल है, पास्ता वाटर है, सारी चीज़ें जो हैं वो इमल्सिफाई होनी चाहिए और अच्छे से स्पगेटी के ऊपर कोट हो जानी चाहिए. बस 1-1.5 मिनट के लिए आपको अच्छे से मिक्स करना है. अगर आपको रिक्वायरमेंट लगे थोड़ा सा और पास्ता वाटर आप ऐड कर सकते हैं. एक बार आपने कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर ली है, आपका पास्ता ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बस टेस्ट करके नमक एडजस्ट करना है. अगर नमक की ज़रूरत है तो नमक ऐड कर सकते हो. और ये हमारा आलियो ए ओलियो पास्ता रेडी हो गया है. लेट्स प्लेट इट वाइफल स्टाइल. आलियो ए ओलियो पास्ता भी हमारा रेडी हो गया है और बहुत ही डिलिशियस बना है. काफ़ी सारे फैंस होते हैं इस पास्ता के और एक्चुअली बहुत अमेजिंग होता है. एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट पास्ता टू मेक. तो ये भी आप बना सकते हो फटाफट. आपने देखा पास्ता बॉईल करने रखा था, बाजू में तैयारी की और पास्ता रेडी. सो इट्स अ ब्यूटिफुल पास्ता, यू हैव टू ट्राई इट. अब ये वाला पास्ता जब मैं शूट कर रहा था और पहले के पास्ता ऑलरेडी शूट कर दिए थे, तो मैंने ना अलग अलग फ़ोटोज़ लेके रखी थी और मेरे को एक स्टोरी बनानी थी जिसमें मेरे को आपको पूछना था दैट विच इज़ योर फेवरेट पास्ता. लेकिन फ़ोटोज़ अलग अलग थी. तो सैमसंग गैलेक्सी A25 में एक फ़ीचर है जिसे इमेज क्लिपर कहा जाता है. इट्स अ वेरी फन फीचर, मैं आपको बताता हूँ. आप देख सकते हो मेरी एक फ़ोटो है. आई एम जस्ट गोइंग टू लॉन्ग टैप ऑन इट एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट अ स्टिकर ऑफ माई सेल्फ.
Not just people, but you can also create stickers of objects like this pasta plate. एक बार आपने अपने सारे स्टिकर सेव कर लिए हैं तो आप एक इमेज के ऊपर ये सारे स्टिकर्स डालकर एक बहुत कूल सी फन सी स्टोरी बना सकते हैं. ये देखो मैंने एक स्टोरी बना ली है, इट्स रेडी टू बी शेयर्ड ऑन इंस्टाग्राम. इजंट दैट कूल? और कई बार ऐसे हो जाता है कि शूट करते टाइम मुझे कन्फ्यूजन होती है कि अभी इसकी वीडियो लूँ कि फ़ोटो लूँ कोई पर्टिकुलर मोमेंट की. तो ऐसे टाइम में ना और एक फीचर है इस फ़ोन में जिसे सिंगल टेक कहते हैं, जिससे आपको एक 10 सेकेंड का वीडियो लेना होता है. एंड दिस फीचर गिव्स यू मल्टीपल इमेज एंड वीडियो ऑप्शंस वंस यू हैव टेकन दैट वीडियो. जैसे मैंने यहाँ पर एक वीडियो लिया है एंड अलॉन्ग विद द वीडियो इट्स गिवन मी अ गुड इमेज टू यूज, अ बूमरैंग, अ फास्ट फॉरवर्ड वीडियो, अ कोलाज ऑफ इमेजेस, अ ब्लैक एंड वाइट इमेज, एंड इट रिटेन्स द ओरिजिनल वीडियो एज वेल. एंड देन यू कैन चूज वॉट यू वॉन्ट टू शेयर. इज इन दैट कूल? These are just a few remarkable features of the Samsung Galaxy A25. You can check all the features and this cool Samsung Galaxy A25 smartphone at your nearest store. Happy creating! अब हमारा एक final pasta रह गया है, which is the Alfredo sauce pasta, जो एक cheesy white sauce pasta होता है. वो कैसे बनाते हैं फटाफट देख लेते हैं. तो आज फेटुचिनी अल्फ्रेडो बना रहा हूँ. फेटुचिनी एक फ्लैट नूडल पास्ता होता है जो मैं आज यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए. अब पास्ता बॉईल करने के लिए मैंने रोरिंग बॉईल पे पानी को ले आया है, 2 लार्ज पिंचेस ऑफ सॉल्ट और पास्ता को ऐड कर देना है. इस पास्ता को लगभग 6 से 8 मिनट लगते हैं. तो पास्ता जब तक बॉईल हो रहा है इसकी सॉस बना लेते हैं. एक बर्तन के अंदर 3/4 कप फ्रेश क्रीम ऐड करनी है, 3 टेबलस्पून बटर और 3 क्लोव्स यहाँ पर गार्लिक के ग्रेट करके ऐड करने हैं. गार्लिक ऐड करने के बाद गैस को चालू कर देना है. स्टर करते हुए बटर को मेल्ट करना है और ये क्रीम को एक सिमर पे ले आना है, एक हल्के से उबाल पे ले आना है. इस प्रोसेस को लगभग 3-4 मिनट लग जाएंगे. एक बार ये सॉस सिमर पे आ जाए और बटर मेल्ट हो जाए अच्छे से, इस स्टेज पर फ्लेम को लो कर देना है. अब इसमें चीज़ ऐड करना है. तो 50 ग्राम्स प्रोसेस चीज़ ऐड कर रहा हूँ इसमें ग्रेट करके. ट्रेडिशनली इस रेसिपी में पामेजान चीज़ ऐड होता है. अगर पामेजान चीज़ यूज़ करो तो 1/2 कप पामेजान चीज़ इसमें ऐड कर दीजिए. साथ ही में 1 पिंच ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर और 1/2 टीस्पून ऑरिगैनो ऐड कर दीजिए. सारी चीज़ों को अच्छे से आपको स्टर कर लेना है और चीज़ को मेल्ट कर लेना है. चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाना चाहिए और एक स्मूथ सॉस रेडी हो जानी चाहिए. या आप देख सकते हो हमारी एकदम स्मूथ अल्फ्रेडो सॉस रेडी हो गई है. इस स्टेज पर आपको गैस को बंद कर देना है. बाजू में हमारा पास्ता भी बॉईल हो चुका है. पास्ता को आपको निकाल लेना है पानी से और इस पास्ता को सॉस में ऐड कर देना है. पास्ता को सॉस में ऐड करने के बाद थोड़ा सा पास्ता वाटर इसमें ऐड करना है, 1-2 करची तक ऐड कर सकते हो. अब इसको आपको अच्छे से मिलाना है. जब आप मिलाओगे तो आप देखोगे आपको कंसिस्टेंसी जिस हिसाब से एडजस्ट करनी है उतना पास्ता वाटर इसमें ऐड कर सकते हो. नमक पहले ऐड नहीं किया क्योंकि पास्ता वाटर में भी नमक है, तो नमक हम लास्ट में एडजस्ट करेंगे. ऐसी कुछ कंसिस्टेंसी आपकी आ जानी चाहिए. आप देख सकते हो कैसे कोटिंग कंसिस्टेंसी आ गई है, ब्यूटीफुल सॉस तैयार हो गई है. इस स्टेज पर आपको टेस्ट कर लेना पास्ता को और सॉल्ट को एडजस्ट कर लेना है. एक बार आपने सॉल्ट को एडजस्ट कर लिया है तो आप देख सकते हो हमारा अल्फ्रेडो सॉस पास्ता रेडी हो गया है. लेट्स प्लेट इट वाइफल स्टाइल. अल्फ्रेडो सॉस पास्ता भी बहुत ही डिलिशियस बनता है. ये एक अलग टाइप का वाइट सॉस पास्ता है. यूजुअली वाइट सॉस पास्ता जो होता है वो बेशमेल सॉस में बनता है, जो मैदे को बटर के साथ पकाकर एक रू बनाया जाता है और फिर उसमें मिल्क ऐड करके उसको विस्क करते हैं अच्छे से, वो वाइट सॉस बनता है. बट ये अल्फ्रेडो सॉस पास्ता भी बहुत डिलिशियस बनता है. इसका बेस क्रीम का होता है और ट्रेडिशनली इसमें पामेजान चीज़ ही ऐड किया जाता है. बट इंडिया में क्योंकि पामेजान चीज़ ईजिली कभी कभी मिलता नहीं है कई शहरों में और बहुत महंगा भी होता है, इसलिए मैंने प्रोसेस चीज़ यूज़ किया है. बट अगर आप चाहें आपको एक्चुअली ट्रेडिशनल रेसिपी बनानी है तो आप पामेजान चीज़ भी इसमें ऐड कर सकते हो, मैंने आपको पहले भी बता दिया था. तो बहुत ही डिलिशियस बनता है ये वाला पास्ता. और बाकी सारे जो पास्ताज हैं जो मैंने आपको बताए, रेड सॉस, मिक्स सॉस, आलियो ओलियो और अल्फ्रेडो, ये सारे पास्ताज 10 मिनट में मैंने आपको आज बता दिए एंड बहुत ही डिलिशियस बनते हैं.
और ज़रूर आप ट्राई करना अपने घर पे, इवन इफ़ यू आर बिगिनिंग आउट टू कुक, ट्राई दीज रेसिपीज़ एंड एन्जॉय दीज रेसिपीज़। ऐसे ही और क्विक और ईजी रेसिपीज़ आप सबके साथ शेयर करते रहूँगा। जब तब तक ये रेसिपीज़ ट्राई करो, कमेंट्स मुझे बताओ आपको रेसिपी कैसी लगी, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट, हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।